देख रहे हैं सच दर्शन। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ डेंगू से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं एमसीडी और दिल्ली सरकार की कारगुजारी के चलते लोग परेशान हैं। यहां तक कि कई इलाकों में सफाई और धुएं के छिड़काव तक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जनकपुरी के वार्ड नंबर 119 में रहने वाले निवासी निर्दलीय से पूर्व पार्षदी का चुनाव लड़ चुके समाज सेवी सुशील चौहान ने एमसीडी और दिल्ली सरकार की नदारद कार्यवाही देखकर खुद ही मशीन खरीदकर इलाके में डेंगू से बचाव के लिए धुआं छिड़कते नजर आए और इलाके की हर एक गली के लोगों से अपील की कि क्षेत्र में साफ सफाई रखें। कि आप लोगों ने देखा, जो दायित्व एमसीडी और दिल्ली सरकार की होनी चाहिए वो सुशील चौहान जी इस क्षेत्र में कर रहे हैं। इन्होंने स्वयं अपनी मशीन को खरीदा और लोग यहाँ के आरडब्ल्यूए के प्रधान या जनरल सेक्रेटरी जो भी क्षेत्रीय लोग हैं वो बार बार सुशील चौहान को फोन करके आग्रह करते हैं और सुशील चौहान जा करके लोगों की गलियों में अपने पैसे से धुएं की मशीन लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्वयं खुद वो धुएं का छिड़काव कर रहे हैं। देखिए, मैंने निगम पार्षद से भी कंप्लेंट किया था और यहाँ के क्षेत्र के जो भी नेता बनते हैं उनको भी कंप्लेंट किया, एमसीडी में भी कंप्लेंट किया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए मैंने सोचा कि एमसीडी के भरोसे रहेंगे तो ये काम नहीं होने वाला, इसलिए मैं खुद अपनी वॉकिंग मशीन खरीद के लाया और मैंने डेंगू मुक्त अभियान ये चलाया है और इसको मैं जब तक डेंगू को ख़त्म नहीं कर दूंगा जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से वार्ड 119 से, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। विधायक के पास हम लोग कई बार गए हैं और हमने काफ़ी कंप्लेंट भी डाली है, जिसके पास हमारे पास रिटर्न में भी है। राजेश ऋषि जी के पास हम लोग कई बार जा चुके हैं, 3 लेटर हमारे पास रिटर्न में है, जिसमें हमने लाइट के बारे में, सीवरेज के बारे में और नालियों पर जो ढक्कन नहीं है इनकी वजह से जो डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, हमने 3-4 बार ऋषि जी से बात की। उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। पता लगा कि सुशील जी इस अभियान को चला रहे हैं तो हमने सुशील जी से आग्रह किया कि सुशील जी ये एक मशीन हमारे यहाँ पर भी एक दिन भेजी जाए, तो सुशील जी ने हमारे इस आग्रह को उसी टाइम स्वीकार किया और आज सुबह से ये मशीन हमारे साथ चल रही है। दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र से हरिशंकर शर्मा की रिपोर्ट, सच दर्शन।